हालेलुया। स्वयं वचन परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं, विलाप की 3 अध्याय और उसका 22 वचन। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आप जानते हैं इस महामारी से लाखों लोग पीड़ित हैं और हजारों लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, और ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। ऐसा कहूं कि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मर नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। इसलिए आज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये भारत में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो परमेश्वर आपसे ये 21 दिन के लॉकडाउन में आपने क्या कुछ किया उसका हिसाब लेंगे। मैं फिर कहता हूं, ये 21 दिन का जो लॉकडाउन था, इसमें आपने क्या किया इसका हिसाब आपसे परमेश्वर लेंगे। परमेश्वर पूछेंगे, पक्का पक्का कहता हूं, अवश्य परमेश्वर पूछेंगे। परमेश्वर पूछेंगे कि लॉकडाउन में तूने क्या क्या किया। आज ये लॉकडाउन जो दिन थे, इसके बाद एक नया जीवन जीने का समय था, नया जीवन, नया सब कुछ होने का, आत्मिक बनने का, आशीषित होने का। सो मैं ये नहीं कहता कि ये 21 दिन के लॉकडाउन के हिसाब से आपको नरक में डाला जाएगा या स्वर्ग में रखा जाएगा, लेकिन ये निश्चय मैं कहता हूं कि इस ये 21 दिन आपकी आशें निर्धारित करेंगे इस धरती पर। ये 21 दिन लॉकडाउन के जितने भी दिन हैं, कुछ देशों में ज्यादा है, कुछ देशों में कम है, ये लॉकडाउन के जितने भी दिन हैं, 21 दिन ये निर्धारित करेंगे स्वर्ग में आपके प्रतिफल को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन 21 दिनों में अपना स्वर्ग में जो प्रतिफल है उसे गुवा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस 21 दिन में स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा किया, वो प्रतिफल पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर पूछेंगे? क्योंकि पहले आपके पास समय नहीं था, आपने काम पर जाना था, आपने मजदूरी पे जाना था, आपने रिश्तेदारी में जाना है, आपने बाहर जाना है, सामान लेके रहना है, बहुत से आपके पास काम थे, लेकिन अब तो आपको कहीं नहीं जाना। पहले आप कहते थे अगर मेरे पास समय हो ना, समय नहीं है मेरे पास, अगर समय हो तो मैं परमेश्वर के साथ ज्यादा संगति करूंगा, अगर समय होगा तो मैं परमेश्वर के साथ ज्यादा संगति करूंगी, अगर मेरे पास समय मिले तो मैं ज्यादा बाइबल को, पवित्र वचन को पढ़ूंगा, मैं ज्यादा पवित्र वचन को पढ़ूंगी, अगर समय मिले तो मैं उपवास, प्रार्थना, संगति, 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 परमेश्वर के साथ संगति में रहूंगा, परमेश्वर के साथ संगति में रहूंगी। और अब आपको समय मिल गया है। अगर आप ये जो लॉकडाउन के 21 दिन थे, अगर इसमें आपने इस समय का उपयोग सही तरीके से नहीं किया, तो इसका मतलब पहले आप झूठ कह रहे थे कि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, परमेश्वर के साथ संगति रखूंगा, परमेश्वर के साथ मिलकर रहूंगा। परमेश्वर के लोगों, ये समय जो आपको दिया गया है, ये परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक पाने का समय दिया गया है आपको, और परमेश्वर के साथ नजदीकी में जीने का समय दिया गया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस समय में परमेश्वर का क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए। परमेश्वर के वचन में भी इस बारे में लिखा हुआ है, तो कुछ लोग अपने लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये लॉकडाउन खत्म हो और परमेश्वर का क्रोध उन पर रहे। परमेश्वर याद रखेंगे कि आपने इन 21 दिन में क्या किया,
परमेश्वर, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा कभी भी समय आपको नहीं मिला होगा, ऐसे 21 दिन ऐसा कभी समय नहीं मिला होगा। अब आपको समय है, दिन और रात आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कब सोना चाहे कब सोएं, उठें जब चाहें जब उठें, कोई कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ड्यूटी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, सिर्फ अब परमेश्वर आपको जांचेंगे। इस दिनों में आपको जांचेंगे आपके पूरे जीवन के बारे में कि आपको ये समय दिया था, आपने इसका उपयोग कैसे किया। आपने परमेश्वर आपसे हिसाब लेंगे कि आपने ये लॉकडाउन के जो दिन थे ये कैसे व्यतीत किए, क्या टीवी देखकर, जहां कोई गेमें खेलकर, जब प्रार्थना करने के द्वारा, जब परमेश्वर की आराधना करके, जहां पवित्र वचन को पढ़ के, क्या आपने प्लानिंग की, क्या आपने, कैसे आपने अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन किया, क्या आज्ञा का पालन नहीं किया, आपने क्या किया, इन सारी बातों का परमेश्वर हिसाब लेंगे। स्वर्ग और नरक में डालने के लिए नहीं, प्रतिफल देने के लिए इस धरती पर भी और स्वर्ग में भी। इसलिए परमेश्वर के लोगों अब भी समय है, आप परमेश्वर के क्रोध को इकट्ठा करने के बजाय आप परमेश्वर के प्रेम को, अनुग्रह को अपने लिए इकट्ठा करें। ये आप सोच रहे होंगे हजारों लोग मारे गए, मैं तो जीवित हूं, ये इसलिए नहीं जीवित, जैसे मैंने पहले वचन में से पढ़ा, ये इसलिए नहीं जीवित कि बहुत अच्छे हैं हम लोग, मैं इसलिए जीवित नहीं हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं इसलिए जीवित हूं क्योंकि लिखा है ये परमेश्वर की महा करुणा का फल है कि मैं जीवित हूं। अपने मन में वहम निकाल दीजिए कि आप इसलिए जीवित हो, आप बहुत अच्छे हो। ये 21 दिन परमेश्वर देखेंगे आपको, आप क्या कर रहे हो, कितना समय परमेश्वर को दे रहे हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमेशा इन दिनों में आपके ऊपर निगाहें रखे हुई हैं। परमेश्वर की आंखें हमेशा लगी रहती हैं, उसमें नहीं शक कोई, लेकिन अब आपके पास बहुतायत से समय है और आप कितना परमेश्वर को समय देते हैं इस बात पर परमेश्वर जो है वो जरूर निश्चय ही ध्यान देंगे आप क्या कर रहे हो। कोई ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, जैसे विलाप गीत 3:22 में लिखा हुआ है, हम जीवित हैं क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, इसलिए हम जीवित हैं। भजन संहिता 5 और उसका 12 में लिखा है, भजन संहिता 5 और उसका 12 हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कैसी ढाल से आपको चारों ओर घेर के रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, अनुग्रह रूपी, अनुग्रह से, अनुग्रह से, परमेश्वर अपनी महाकरुणा से, परमेश्वर अनुग्रह से आपको चारों ओर ढाले रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह में तो क्या है, यूहन्ना की इंजील 1:16 कहता है हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, अनुग्रह पर अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह है, इसलिए हम लोग जीवित हैं। सो इस अनुग्रह को आप व्यर्थ ना जाने दें। ये ठीक है कि रोमियो 3:22-24 में लिखा हुआ है कि हमारा उद्धार जो हुआ है वो अनुग्रह से हुआ है, और जितने भी चमत्कार होते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से होते हैं। प्रेरितों के काम 3:12 में लिखा हुआ है कि जो ये चमत्कार वहां पर बड़ा सा एक चमत्कार हुआ था, पत्रस कहता है ये जो चमत्कार हुआ है ये हमारी शक्ति या हमारी भक्ति से नहीं हुआ, बल्कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ है। आप अपने मन में ये ना सोचें कि
मेरे द्वारा चमत्कार हो गया, मेरी मेरी प्रार्थना मैंने की थी और ये ऐसा हो गया। ये सब अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। आप सोच रहे होंगे मैं मेहनत की इसलिए ये सब कुछ हुआ, नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 10 वचन कहता है ये परमेश्वर का आपका अनुग्रह है, इसलिए ही आप मेहनत परिश्रम कर पाए। सो परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप फिर समझे इस बात को, परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको पापों से क्षमा मिली, आपका उद्धार हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह है। और आपको, आपके द्वारा चमत्कार होते हैं जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। और खास करके आप मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और आप इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। आपके पास अब समय है, आप परमेश्वर को समय दें। परमेश्वर ने आपको समय दिया। हजारों लोग इस संसार में से उठाए गए, खत्म हो गए, चले गए। आप भी जा सकते थे। आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो बहुत बचाव करके रखा अपना, मैं तो अपना पूरा बचाव करके रखता हूं। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी हो सकता है। जब अहाब राजा था, उसने इज़राइल का, उसने अपना सारा बचाव किया था अपने ऊपर, वो भेष बदल का युद्ध में गया था और अटकल से किसी ने तीर चलाया था और उसे लगा था और वो मर गया था। तो ये मत सोचिएगा, कुछ भी अटकल से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए बचाया है क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर ने जो समय दिया है उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, इस बात को परमेश्वर जरूर निश्चय पक्का देखेंगे, पक्का देखेंगे। सो अगर कुछ दिन आपके निकल गए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आज से आप ध्यान दीजिए, आज से ध्यान दीजिए, आज से ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपकी आयु को बढ़ा दिया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। आप क्या बलिदान दे रहे हैं परमेश्वर को? परमेश्वर को समय दें। परमेश्वर ने आपको और समय दे दिया है, किसको 20 साल, किसको 50 साल, किसी को कितने साल, किसको 80 साल, किसी को 100 साल, आपको कितना समय दिया है, वो समय में से कुछ तो परमेश्वर को दीजिए। अब आप फ्री हैं, फ्री बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फालतू टीवी पे बैठे रहते हैं, अब तो परमेश्वर को दीजिए। जब मौत जो है वो तलवार की तरह सिर के ऊपर लटक रही है लोगों के, अब तो परमेश्वर का भय मानते हुए समय परमेश्वर को दें। सो परमेश्वर के लोगों, आप याद रखें, परमेश्वर आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे उस दिन। आप याद रखेंगे इस बात, परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि लॉकडाउन में तूने क्या क्या किया, आपसे हिसाब लेंगे। सो आज ही आप अपने हृदय को बदलिए। परमेश्वर मसीह आपको आशीष दें, परमेश्वर मसीह आपके साथ रहें।